हाई व्यूअर्स, यू आर वेलकम टू टेक्निकल माइंड प्रो चैनल। आज की इस वीडियो में हम मेंटेनेंस से रिलेटेड एक ऐसी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जो कि इंतहाई यूजफुल है, जिसको आमतौर पर TPM का वर्ड यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए, विच मीन्स टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टेक्निक होती क्या है, इसके कौन से बेसिक पिलर्स हैं जिनको हमने अडॉप्ट करना होता है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तीन वर्ड आपको नजर आ रहे हैं, नंबर 1 TPM, नंबर 2 5S, नंबर 3 OEE। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। जब हम TPM को कहीं पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर 5S और OEE यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये भी ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम TPM को देखते हैं कि TPM हमारे पास बेसिकली है क्या। बेसिकली जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है, इसको इम्प्लीमेंट करने से ना सिर्फ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से अवॉइड किया जा सकता है, बल्कि मशीन्स की ओवरऑल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो सकती है। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, दूसरी मेंटेनेंस लाइक हमारे पास प्लांट मेंटेनेंस जो होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वगैरह, उनकी तरह या TQM जैसे हमारे पास टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, उस तरह सिर्फ ऑपरेटर या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि TPM में तमाम डिपार्टमेंट्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि TPM को परफेक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स हैं और इसका बेसिक फायदा क्या है। ये आपको नजर आ रहा होगा, तीन वर्ड्स लिखे हुए हैं, जीरो अनप्लैंड डाउन टाइम यानी कि आपकी मशीन्स का ब्रेकडाउन जीरो हो जाएगा, जीरो डिफेक्ट्स और जीरो डिसरप्शंस। ये तीन चीजें होंगी, जीरो डिफेक्ट्स रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जब हम TPM को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास अनप्लैंड डाउन टाइम, डिफेक्ट्स और डिसरप्शंस जीरो हो जाएंगे। सबसे पहला जो पिलर है वो है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसमें हम मुराद ये लेते हैं कि हम रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे मशीन की इंस्पेक्शन करेंगे, उसकी ग्रीसिंग करेंगे, उसकी लुब्रिकेशन करेंगे और क्लीनिंग करेंगे। ऐसी जो चीजें आती हैं वो फर्स्ट पिलर में आएंगी। सेकंड वन हमारे पास है प्लांट मेंटेनेंस। प्लांट मेंटेनेंस में हमारे पास प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का स्केड्यूल बनाया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हर इक्विपमेंट की एज पर ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन के, कि कितने ड्यूरेशन के बाद मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होनी चाहिए। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें हम देखा जाता है अगर किसी इक्विपमेंट में कोई डिजाइन का फॉल्ट है, कोई मशीन आपकी अंडर कैपेसिटी है, कोई मशीन आपकी रिक्वायरमेंट के 100% मुताबिक नहीं है, तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसके लिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है। फोकस्ड इम्प्रूवमेंट, रेगुलर इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस किया जाता है कि हम कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर लेआउट बनाया जाता है। न्यू इक्विपमेंट मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तमाम स्टाफ की प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाता है इसके बारे में, मैनेजमेंट को इस हवाले से इंश्योर करवाया जाता है कि TPM को किस तरह हमने इम्प्लीमेंट करना है, उसका वे फॉरवर्ड बताया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है स्टाफ की। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, किसी भी TPM की इम्प्लीमेंटेशन को प्रॉपर करने के लिए उसमें हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का भी स्कोप ऐड किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन सेफ्टी फर्स्ट, उनकी हेल्थ फर्स्ट, उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हमारे पास नेगेटिव नहीं आने चाहिए। लास्ट में है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि TPM के लिए ऑफिशियली सपोर्ट जो चाहिए होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। उसके बाद है जी, जब भी हम TPM को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें 5S को भी इम्प्लीमेंट करना होगा। 5S मेथडोलॉजी है क्या बेसिकली। इसमें 5S से मुराद, विच इज वेरी कॉमन, नंबर 1 पे है सॉर्ट, सेट, शाइन, सनराइज एंड सस्टेन। सॉर्ट में ये होता है कि आपके पास मुख्तलिफ चीजें पड़ी हैं, उनमें से जो आपके पास अननेसेसरी चीजें हैं उसको डिस्कार्ड कर दें और जो यूजफुल चीजें हैं उनको आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आता है सेट, उसको बकायदा एक तरतीब के साथ रखें, ऐसे ही फेंकी हुई नहीं होनी चाहिए, सॉर्ट कर ली पहले, फिर हमने उसको तरतीब दे लिया। फिर है शाइन,
उसको बकायदा नीट एंड क्लीन करके रखना चाहिए। मार्केटिंग के लिए भी शाइन का वर्ड यूज किया है, जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडवर्टीज करते हैं तो उसकी जो एस्थेटिक लुक होती है, जिसको आप कॉस्मेटिक लुक भी कहते हैं, वो शाइन में आएगी। उसके बाद है स्टैंडर्डाइज, ऐसे स्टैंडर्ड पॉलिसी या एसओपी बनाएं जो कि पहले तीनों एस को कंप्लाई कर रहे हों। उसके बाद सस्टेन, होल्ड ऑल टुगेदर क्लीनिंग सेशन, कंडक्ट मंथली 5S इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स, इंश्योर करें कि जो हमने पहले 4S को इम्प्लीमेंट किया है वो प्रॉपरली हो रहे हैं, सस्टेन है। ये तो नहीं कि एक मंथ हमने किया, नेक्स्ट फिर वो प्रैक्टिसेस छोड़ दी, उसको इंश्योर करवाना होता है। थर्ड वन हमारे पास है ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, OEE, विच इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। टीपीएम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ना सिर्फ आपकी क्वालिटी को ओके करता है, क्वालिटी को मैक्सिमम करता है, साथ में मशीन की परफॉर्मेंस को भी एफिशिएंस करता है, यानी कि हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन उससे ले सकते हैं, जिसको हम एफिशिएंसी कहते हैं। और अवेलेबिलिटी, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं आएगा, जिससे हमारे पास मशीन 100% अवेलेबल भी होगी। जब हम टीपीएम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको OEE आउटपुट मिलेगी। आई होप दिस वुड बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।